पंख वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका विद्रोही आनंद पर। थैंक यू। अपना सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आपको कैसे ये विचार आया कि इस प्रकार का कोई कार्य आरंभ करना चाहिए लोगों के लिए, और कैसे आपने पंख वेलफेयर फाउंडेशन की नींव रखी? जैसे कि अभी लास्ट में भी कोरोना फिर लॉकडाउन उसकी वजह से हुआ था, तो देश में काफ़ी खाने को लेकर काफ़ी बुरे हालात थे। 4 अप्रैल 2019 को हमने इसकी फाउंडेशन की नींव रखी और लोगों को बेहतर खाना मिल सके, तो 15 अगस्त तक हम लोग ने निःशुल्क सेवा सबके लिए करी। और अभी 15 अगस्त के बाद हम लोग ने एज अ स्वाभिमान के लिए 10 रुपये चार्ज रख दिया, क्योंकि फ्री में भोजन का अपमान होता है, और इसी के लिए हमने कहा कि इस मतलब सब ज़रूरतमंद खाना खा पाएँ, तो उसके लिए हम लोग ने एक नई पहल शुरू करी है। पूरे लखनऊ में अभी हम लोग के 4 काउंटर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुंशी पुलिया पे हमारा काउंटर है, इसी तरीके से लोहिया गेट नंबर 1 पे हमारा काउंटर है, इस तरह का सेक्टर 17 सब्जी मंडी और मेट्रो स्टेशन के पास हमारा एक काउंटर है। और 10 रुपये में हमारे यहाँ एक स्पेशल मेन्यू रहता है बासमती चावल के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं छोला मसाला, पंचमेल दाल और नवरत्न दाल, कड़ी मसाला, कड़ी पकौड़ा। और किन किन मार्कों का ख्याल रखा जाता है कि स्वाद के विषय में अगर बात करें, और किस प्रकार की जो आप सामग्री इस्तेमाल करते हैं, किन किन मानकों का ध्यान रखते हैं आप लोगों को खाना देने में? खाना एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। हम लोग बासमती 2 टुकड़ा यूज़ करते हैं, साथ में इसका बैलकोलू ऑयल या नेचर फ्रेस ऑयल यूज़ किया जाता है। किचन में साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। बस कोशिश ये रहती है बेहतरीन से बेहतरीन खाना लोगों को मिले और लोग स्वस्थ रहें। हम लोग हाइजीन पर काम करते हैं, और हमारा पूरा टीम है अच्छी खासी, हमारी जो टीम है पूरी तत्परता से लगी रहती है लोगों की सेवा में। और हमारे साथ हमारी इस पंख टीम में मैं शिवशंकर, और हमारे साथ सदाशीष वर्मा जी, राजीव सिंह जी, ललित कुमार जी, ज्योति कश्यप जी, अमित कुमार और हमारी दीपिका, ऐसे हमारे कई एक वॉलंटियर्स हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं करीब 2.5 साल से। और पूरे लखनऊ भर में ऐसे काउंटर्स खुले हैं ताकि कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना रह जाए, बस यही हमारी एक वो है। और कैसा प्रोत्साहन आपको मिलता है लोगों द्वारा जब लोगों को आप बताते हैं कि हमने इस प्रकार का एक मुहिम चलाया है, तो कैसा प्रोत्साहन मिलता है, कैसी प्रतिक्रिया होती है लोगों? आज आप ही लोग, आपके द्वारा ही, आप जैसे लोगों के द्वारा ही हम आज 3 साल को पूरा करने जा रहे हैं, और अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। लोगों से हम अन्न दान की अपील करते हैं, कुछ पैसों की दान की अपील करते हैं, भोजन सामग्री जो भी हो सके वो दान करते हैं। कुछ लोग का सहयोग भी अच्छा आ रहा है, बाकी अभी हम लोग छोटा मोटा जैसे चला पा रहे हैं चला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं बस कुछ अच्छे लोग इसी तरीके से जुड़ते रहें ताकि ये हर समय हमारी सेवा चलती रहे और हम और बेहतर से बेहतर इसको करें। तो आप एक बार मुझे बताइए कि पंख वेलफेयर फाउंडेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए? आप अभी जहाँ पर खड़े हैं ये लखनऊ का मुंशी पुलिया चौराहा है, यहाँ पर निकट प्राइम प्लाजा के सामने फ्रंट पे हमारा ये काउंटर 15 अगस्त से लगा हुआ है। इसी तरीके से हमारा सेकंड काउंटर यहीं 2 किलोमीटर दूर सेक्टर 17 सब्जी मंडी पे, और हमारा एक काउंटर लोहिया गेट नंबर 1 पे लगा है, गेट नंबर 1 के जस्ट सामने लगा है। और हमारा 4th काउंटर हमारा यहाँ पे आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है माही चौराहे पे, वहाँ एक लगा हुआ है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूरे लखनऊ में ये चीज़ हो। बाकी संस्था, एक संस्था अभी खाना खिलाने के साथ साथ हम लोगों से एक अपील करते हैं कि जो आपके पास अनयूज कपड़े हों, जो मन से उतर गए हों, वो कपड़े यहाँ पे दान करें ताकि हम लोग किसी ज़रूरतमंद तक उनको पहुँचाएँ। और हमारी लोगों से एक अपील ये भी है कि जो अनयूज कॉपी किताबें हैं, है ना, जो बच्चे अपना पढ़ चुके हैं, अगर आपके यहाँ अनयूज रखी हुई हैं तो स्टेशनरी आइटम और किताबें, वो आप पंख तक पहुँचाएँ, यहाँ तक हमारा डोनेशन बॉक्स तक पहुँचाएँ, और हम लोग लोगों की मदद करेंगे। हमारा एक पंख हैप्पी क्लब है, पंख हैप्पी क्लब में हम लोग फिटनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, जो आजकल बच्चों की दिनचर्या बिगड़ चुकी है, रात में देर से सोना, सुबह देर तक उठना, सब घरों का यही हाल है, तो इनको फिटनेस के लिए प्रमोट करना, हम लोग जगह जगह पार्क में अपने हम लोग कैंपेन करते हैं,
और वहाँ योगा, एरोबिक्स, कार्डियो, जुम्बा, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक सेशन चलाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं फिटनेस को लेकर। तो ये हमारा पंक हैप्पी क्लब है। और इसी के अलावा हमारा पांचवा जो विंग है वो हमारा ग्रीन मिशन है। ग्रीन मिशन के अंतर्गत हम लोग करीब अच्छे गुणकारी पेड़ पौधे लगाते हैं। अभी एक हमारी एक्टिविटी होने जा रही है एक हफ्ते बाद, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो हम लोग आपको तब भी बुलाएंगे, आप आइएगा देखिएगा। और हम लोग कुछ गुणकारी पेड़ पौधे जैसे नीम हो गया, अर्जुन हो गया, और करी पत्ता हो गया, बाकी आपके जितने अशोक हो गए, तो जितने बरगद हो गया, पीपल हो गया, इस टाइप के हम लोग पेड़ों को लगाते हैं ताकि एक छांव तो मिले ही। बाकी अभी भी हम लोग जिस जगह काउंटर लगाएं, इतने अच्छे पेड़ हैं जिसकी वजह से हम लोग को धूप का एहसास नहीं होता है। पेड़ अनमोल हैं, पेड़ लगाइए। पेड़ को काटने से बचाने के लिए हम लोग तरह तरह के अभियान चलाते रहते हैं। जिस तरह आप देखते होंगे हमारे काउंटर पर, उस तरफ एक बैनर लगा हुआ है कि दो पहिया वाहन वालों को, बिना हेलमेट वालों को भोजन नहीं हम लोग देंगे। तो ये सब हम लोग की एक पहल है कि कम से कम कुछ लोगों को अवेयर करना कि आज सड़क पर दुर्घटनाएँ इतनी बढ़ चुकी हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी टीम अवेयर करती रहती है। कोशिश पूरी है कि जितना हमसे सुधार हो पाएगा, हमारी टीम से हो पाएगा, हम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और काफ़ी टाइम से एनिमल वेलफेयर के लिए हम लगे हुए हैं। एनिमल वेलफेयर के लखनऊ जू के मैं मेंबर भी हूँ, तो जितना एनिमल वेलफेयर में हम काम कर पाते हैं, डॉग्स के लिए, गाय के लिए या अन्य सभी जानवरों के लिए, वो हम करते हैं। उनको खाना खिलाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सारा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी लोगों को एक अच्छा खाना मिले, हर ज़रूरतमंद रिक्शे वाला हर ज़रूरतमंद बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाए। यहाँ पे कारों से भी लोग खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे घरों से लोग आते हैं, क्योंकि खाना शुद्ध देसी घी के तड़के के साथ बेहतरीन खाना रहता है, एक नंबर का खाना, जिसको हमारी टीम खुद और मैं खुद खाता हूँ। तो बस यही है कि सब लोग जुड़ें, आप सब लोग का सहयोग चाहिए, सभी लखनऊ वासियों का, ताकि इसको हम भाई कई अच्छी ऊँचाइयों पर ले जाएँ। बस धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको पंख वेलफेयर फाउंडेशन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी एक मुहिम चलाने के लिए। धन्यवाद। पंख वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्तागण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लगता है लोगों की सेवा करके। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्रोही आनंद चैनल पर। जी, मेरा नाम ज्योति कश्यप है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस पंख वेलफेयर। कैसा लगता है आपको लोगों की सेवा करके, और यहाँ तो आप सेवा दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं लोगों को, कैसा लगता है? अलग ही सुकून है, लोग जो है बहुत तारीफ करते हैं, कभी कभी कहेंगे कि इस तरीके का खाना कभी नहीं देखा, आज हम लोग जैसे पंचमेल दाल दी है, कभी कभी लोग कहेंगे ये दाल मैंने कभी नहीं खाई थी। तो ये सब सुन के फीडबैक लोगों को बहुत खुशी होती है, और इसी तरह लोगों का सहयोग है, इसीलिए चल पा रहा है सब कुछ, ठीक है, लोगों का सहयोग बना हुआ है हर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका शुभ नाम और क्या पदवी है आपकी पंख वेलफेयर फाउंडेशन में, और कैसा लगता है आपको यहाँ पर लोगों को सेवा देकर? मेरा नाम दीपिका सिंह है, मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग के फीडबैक भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लोगों को खाना भी बहुत पसंद है। देख रहे हैं एक वॉलेंटियर भी है जो अभी यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारी ये संस्था है, हम ऐसी मुहिम चलाते हैं, और अगर हमारे और भी जो लाभार्थी हैं उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उनको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप पहुंचा सकते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले तो, और कैसा लगता है आपको लोगों की सेवा करके? मेरा नाम है एक अमित कुमार भास्कर, और सर पंख वेलफेयर फाउंडेशन में आपकी क्या पदवी है? सर, हमारी पदवी सर एक आईटी डिपार्टमेंट में मैं हूँ सर, वेबसाइट मैनेजर, और सर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जानकर, किसी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। अब से ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इनिशिएटिव अच्छा काम करने की, बाकी सर बाकी सबके सहयोग से ही आगे बढ़ना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पंख वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा इतना कुछ चलाया जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में एक खाना एक ऐसी समस्या रही जिसको लेकर छोटे तबके का आदमी यही सोचता था कि अगर मैं कहीं बाहर से खाना मंगाता हूँ तो मेरी जेब ढीली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी मुहिम कही जा सकती है लखनऊ वासियों के लिए, बहुत अच्छी खबर है। आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर जायकेदार खाने का लुत्फ ज़रूर उठाइए। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ प्रज्ञान सिंह विद्रोही, आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को, और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।